हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड्स। गाइस कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक गेमिंग एयरफोन के एंड क्विक रिव्यू मैं आपको दूंगा इसी एयरफोन का। यहाँ पे हमारे पास है RPM यूरो गेम्स की तरफ से एक गेमिंग एयरफोन अंडर 1000 रुपीज़। इससे बेस्ट एयरफोन शायद ही आपको मिले, तो डेफिनेटली सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लो गाइस। एंड क्या इस वीडियो को एक लाइक मिल सकता है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। वी आर वेरी क्लोज टू 10K यूट्यूब फैन, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड इसके बॉक्स के चारों साइड लिखा हुआ है RPM यूरो गेम्स गेमिंग एयरफोन जस्ट प्लग एंड प्ले, एंड रेड कलर लिखा हुआ है एंड क्लियर लिखा हुआ है गेमिंग एयरफोन है ये। तो पबजी मोबाइल इंडिया आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हो। अगर आप एक गेमिंग एयरफोन सर्च कर रहे हो अंडर 1000 रुपीज़, तो डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। इसके बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। इसी एयरफोन के डिटेचेबल माइक, 3.5mm जैक फॉर गेमिंग एंड मोबाइल डिवाइसेस, 3.5mm ऑडियो एडेप्टर फॉर PC, कंपेटेबल विथ PS4, Xbox One, iPhone, iPad, Android फोन एस PC। तो हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो। स्वेट एंड वाटर प्रूफ भी है ये। CVC का नॉइस कैंसिलेशन फंक्शंस भी है। 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको देखने मिल जाएगी। इनलाइन माइक्रोफोन, म्यूजिक, कॉल कंट्रोल, सारा कुछ आपको देखने मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस लिखा हुआ है, नेट क्वांटिटी लिखी हुई है, मंथ ऑफ इंपोर्ट, सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप रीड कर सकते हो पॉज करके। सो गाइस चलो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट देखने मिलता है RPM यूरो गेम्स एयरफोन के साथ। गाइस अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो Amazon का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि एफिलिएट लिंक है, उससे आप परचेस कर सकते हो गाइस। तो गाइस इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से सजा के रखा गया है एयरफोन्स को, एंड बॉक्स के अंदर और कुछ देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मिलेगा एयरफोन, उसके नीचे कुछ एसेसरीज रखा हुआ है देख सकते हैं आप, यूज़र मैनुअल एंड कुछ और, इसे आप रीड कर सकते हो यूज़र मैनुअल को, बट कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रखते हैं साइड में गाइस। देन आपको देखने मिलेगा एक प्लास्टिक के अंदर PC ऑडियो एडेप्टर, इसे आप अपने PC में कनेक्ट कर सकते हो ऑडियो के लिए, कुछ इस तरीके का देखने मिलता है। बेसिकली किसी और एयरफोन के साथ ऐसा नहीं मिलेगा आपको एसेसरीज विथ डिटैचेबल माइक के साथ, इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ एयर टिप्स आपको देखने मिलेंगे रेड कलर में, जिस कलर में आप परचेस करते हो उस कलर में, ठीक है गाइस। यहाँ पे दो देखने मिलेंगे आपको, एक बड़े एक छोटे, आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। एंड सेकेंड लास्ट आपको देखने मिलेगा एक डिटैचेबल माइक, जो कि कुछ इस तरीके का है, फ्लेक्सिबल है, आप इसके लेफ्ट एयरफोन में लगा सकते हो। आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा इसी माइक को अटैच करने के लिए, आप उसे फिट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हो, इसको रखते हैं साइड में। एंड फाइनली RPM यूरो गेम्स का एयरफोन देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको भी ओपन करते हैं फटाफट। आप देख सकते हो रेड कलर में, बेसिकली ब्लू कलर भी है, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर है, कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। वायर की क्वालिटी एक डिसेंट क्वालिटी है, नॉर्मल एयरफोन से बेहतर है, अच्छा है। एंड गाइस गेमिंग एयरफोन, इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, इसके पीछे लिखा हुआ है RPM यूरो गेम्स, एंड कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने मिल जाएगा रेड एंड ब्लैक कलर के कंबाइन में RPM यूरो गेम्स के ब्रांडिंग के साथ। और एयर हुक्स भी आप देख सकते हो, आपके कानों में से गिरे ना, इसलिए यहाँ पे एयर हुक्स भी देखने मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको ईयरफोन में आपको देखने मिल जाएगा 3.5mm जैक, जिससे आप इसी डिटैचेबल माइक को अटैच कर सकते हो, लगा सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो इस माइक को, एक्सटर्नल माइक को। और इसी एयरफोन में गाइस आपको मिल जाएगा वॉल्यूम कंट्रोल एंड डायरेक्ट असिस्टेंट बटन, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो RPM यूरो गेम्स की ब्रांडिंग नीचे भी, एंड वॉल्यूम कंट्रोल देख सकते हो स्लाइड बटन है, बेसिकली यूनिक है अदर एयरफोन से। और इसका वायर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, नीचे एल शेप में आपको मिल जाएगा इसका 3.5mm कनेक्टर बेसिकली। गाइस वीडियो अपलोड होने के 2-3 दिन बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, रेटिंग बेसिकली मैं दे दूंगा, इसी एयरफोन में बेस कैसा है, गेमिंग के लिए कैसा है, गेमिंग एयरफोन ही है। एंड गाइस फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है, एंड गाइस बेस भी काफ़ी यूनिक है इसी एयरफोन का। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ दिन वेट करो, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में एक कमेंट पिन कर दूंगा मैं ये फोन कैसा है। एंड गाइस एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और गाइस प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस।